सुंदर, एकदम परी जैसी। हाँ एकदम फूल लग रही है। फूल? तुम मेहर को फूल बोल रही हो? फूल मतलब पागल? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो एकदम जो ठंडा होता है ना, वो बर्फ। अरे नहीं, वो जब होता है तब हम एकदम कांपने लगते हैं, वो बुखार। बुखार है तुझे? अरे नहीं नहीं, दादी कह रही है कि मैं कूल लग रही हूँ, है ना दादी? हाँ वही, सेम टू सेम, एकदम कूल लग रही है। भाई महर, तू तो तैयार होके आ गई, लेकिन मानव कहाँ है? हाँ शीशे में। हाँ? शीशे में? मतलब शीशे के अंदर चला गया? अरे नहीं नहीं, शीशे के अंदर नहीं, मेरा ये कहना है कि वो शीशे में अपने आप को निहार रहा है। हटो हटो सब लोग। क्या? ए, अरे ए, ए, क्या, क्या कर रहा है? हटो हटो सब लोग। क्या हुआ मानव, क्या कर रहे हो बेटा? माँ मेरे क्रिसमस सॉक्स जिसके अंदर मैंने अपनी विशलिस्ट डाली थी, वो मुझे मिल नहीं रहा है। कैसे मिलेगा? मैंने यहाँ जो रखा है। ओह ये लो। थैंक यू मम्मी। मजा आ गया, मजा आ गया। माने माने, तुमने इसमें कौन सी विश लिखी है? वो तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है और मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे टाइम है, बताओ ना। नहीं नहीं बच्चों, विश तो बतानी पड़ेगी। वो तो नहीं बता सकता, पर हाँ मुझे अभी अभी एक नए विश सूझी है। अरे वाह, क्या बताओ ना। मैं ना सांता क्लॉस से एक मैजिकल पेड़ मांगूंगा जिसमें एक तरफ रोटियां और सब्जियां लटकेगी ताकि मम्मी को किचन में खाना ना बनाना पड़े। और दूसरी तरफ दादाजी के लिए दवाई जिससे वो खाते ही उनका अटकना बंद हो जाए। और दादी के लिए ड्राई फ्रूट्स और मिठाई ताकि दादी को जब भी भगवान को प्रसाद चढ़ाना हो उन्हें आसानी से मिल जाए, है ना कमाल की विश? वैसे मानव तेरी विश अच्छी है, लेकिन तूने पापा के लिए कुछ नहीं मांगा। हाँ? नहीं मांगा। भाई क्यों? क्योंकि अगर हमें पेड़ से ही सब कुछ मिल जाएगा तो पापा को ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ फिर तो हम रोज रोज पिकनिक मनाएंगे। तुमने सबके लिए सब कुछ मांगा लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सच कहूँ, हमारे बच्चे भले छोटे हैं लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। अपने से पहले वो हमारे बारे में सोचते हैं। अरे बच्चो चलो चलो चलो, 3 बज गए, जाना है ना, चलो चलो जाओ 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 जाओ। अरे ए, बच्चो एक मिनट। बेटा वहां जाके ज्यादा मस्ती मत करना और हाँ ज्यादा चॉकलेट मत खाना। बाय। सॉरी मोटा भाई। अकरा है। मेरे भी चॉकलेट लेते जाओ, इसमें मैंने अपनी सारी विशेस लिख दी हैं। ये प्लीज सेंटा क्लॉस को दे देना और मेरा गिफ्ट लेते आना। ठीक है चाचू। बाय मोटा भाई। क्रिसमस बच्चों का है लेकिन जश्न हम मनाएंगे। बस अब इंतजार चॉकलेट्स की बारिश होने का। लेकिन छल परी होंगे वहाँ पर बालवीर और सांता क्लॉस भी। तो एक ही, आपकी चॉकलेट खाते ही बच्चे हो जाएंगे छोटे लेकिन बालवीर अपने जादुई दंड से उन्हें वापस बड़ा बना देगा। दगड़ दूँ? हाँ, फिर देगा वो आपको सजा। आप भागेगी, चिल्लाएगी, बचा, तोबा तोबा बचा, बचा, तोबा तोबा बचा। जैसा तुम सोच रहे हो तोबा तोबा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
इस बार बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने और भयंकर परी ने बालवीर को रोकने का इंतजाम पहले ही कर लिया। इससे हम तुम्हारा मुंह काला करेंगे। ये कोई मामूली रंग नहीं है, बल्कि भयंकर परी द्वारा बनाया गया भ्रम रंग। इस भ्रम रंग से हम स्कूल के चारों ओर एक सीमा रेखा बनाएंगे, और जब तक बच्चे उस सीमा रेखा के अंदर रहेंगे, बालवीर को हमारे बच्चों पे किए गए जादू के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वो छोटे छोटे बच्चे भ्रम रंग से बनी सीमा रेखा को कर पाए पार, होने नहीं देंगे हम ऐसा। दगड़ दुम दबोच लेंगे उन्हें सीमा रेखा पार करने से पहले ही। ना बच्चे सीमा रेखा पार कर पाएंगे, और ना ही बालवीर को पता चलेगा कि बच्चे छोटे हैं। यानी इस बार बांस भी हमारा ही होगा, और बांस हम ही बजाएंगे। ये कितना बड़ा क्रिसमस ट्री है। हाँ, और कितना सुंदर भी। हाँ मैं, मैंने आज तक इतना बड़ा और सुंदर क्रिसमस ट्री नहीं देखा। मेहर, मुझसे इंतजार नहीं होता। बोलना सांता क्लॉस कब आएंगे, कब हमारी पार्टी शुरू होगी। बोलना मेहर, बोलना। अरे अरे प्लीज बोलना। सबर कर, क्योंकि सबर का फल मीठा होता है। हाँ, और कड़वा फल किसका होता है? जो मोंटू से पंगा लेता ना, उसी का फल कड़वा होता है। तुझे खाना है कड़वा फल? नहीं नहीं नहीं। ए हटा रे, हटा 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 रे, हटा। हाथ दिया रहा है। सॉरी बॉस। ए हटो हटो, गेंडा आ रहा है। सॉरी बॉस। सांता क्लॉस से सबसे पहले मैं मिलूंगा। ए मोंटू, हम तुझसे पहले आए हैं, इसलिए हम पहले सांता क्लॉस से मिलेंगे। तुम लोग बाद में आए हो, इसलिए तुम लोग का नंबर जब आएगा तब ही तुम लोग सांता क्लॉस से मिलोगे। हाँ, समझे? वरना वरना तुम मुझे पीटेगी मैं? नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं पीटूंगी नहीं, बल्कि तुझे पिटवाऊंगी, वो भी बालवीर से। बालवीर को बीच में लाने की क्या जरूरत है? देख मैं, तू मुझे डरा मत। मैं देख, अगर तूने मुझे डराया ना, तो ये अच्छी खासी पार्टी को ना मैं खराब कर दूंगा। दिखाओ दिखाओ, तुम्हें दिखाओ। पहले मैं इसे धोता हूँ, फिर तुम सबको धोता हूँ। अच्छा है, मोंटू चला गया। अब बस देरी है बालवीर और सांता क्लॉस के आने की, फिर होगी पार्टी शुरू। ये गया सांता क्लॉस की झोली में बच्चों के लिए आखिरी तोहफा। है कमाल लटकटपुरी, है दुनिया के सारे बच्चों के तोहफे सांता क्लॉस के इस जादुई झोले में, लेकिन है फिर भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है? वो इसलिए क्योंकि अंदर से ये झोला भी सांता क्लॉस की दिल की तरह बहुत विशाल है। डूबा डूबा आखिर वो पल आ ही गया जिसका हमें पूरे साल से इंतजार था, और हम सबको भी। लेकिन देखो ना, जिस पल का हम पूरे साल इंतजार करता है वो पल
पलक झपकते ही चला जाता है। हाँ सांता क्लॉज, पर ये सोचिए ना, ये छोटा सा पल बच्चों के लिए कितनी बड़ी खुशी लेकर आता है। बिल्कुल सही बोला तुमने अटकाती परी, बिल्कुल सही बोला। चलो अभी हम चलता है और बच्चा लोग में गिफ्ट बांटने जाता है। हाँ सांता क्लॉज आप जाइए, पृथ्वी लोग पे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाँ आप सतर्क रहिएगा, आपको याद है ना पिछले साल उस भयंकर परी ने तबाही परी के साथ मिलकर आपका अपहरण कर लिया था। वो हम कैसे भूल सकता है, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकता है कि तभी हमको बालवीर ने बचाया था। और ये मेरा वादा है सांता क्लॉज कि आपका बालवीर आपकी सुरक्षा करता रहेगा। हाँ बालवीर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। फिर भी बालवीर सतर्क रहना और चारों तरफ नजर रखना, ताकि अगर कोई भी बच्चों के क्रिसमस को खराब करने की कोशिश करे तो वो चारों खाने चित हो जाए। हाँ इस बार चारों खाने चित होंगे, बालवीर, परियां और उनके साथ उनका प्यारा सांता क्लॉज। चारों ओर ब्रह्म रंग की ऐसी सीमा रेखा खींची है मैंने कि कोई भी छोटा हुआ बच्चा उसे पार नहीं कर पाएगा। बस अब इंतजार है तो उन बच्चों के चॉकलेट्स खाने का, और उसके बाद बच्चे मन के सच्चे बालवीर की आंख के तारे, बच्चे मन के सच्चे। सांता क्लॉज सारे तोहफे तो रख दिए, लेकिन बच्चों को देने के लिए सारी चॉकलेट्स कहाँ हैं? नटखट परी, डोंट वरी, हमारे पास सारे चॉकलेट है और वो चॉकलेट हम सारे बच्चों में बांट देगा। खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। और हाँ मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। हुर्रा, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। कौन है, कौन है ये आवाज निकाल रहा है? कौआ। अबे बेवकूफ, बच्चों में से कोई तो आवाज निकाल रहा है। कौन है, कौन है जो मोंटू बॉस को कौवे की आवाज से डरा रहे? कोई भी बच्चा मोंटू बॉस को कौवे की आवाज से नहीं डरेगा, समझे? निकालो आवाज, निकालो। अरे तुम सब जितनी आवाज निकालोगे मैं इस बच्चे को उतने मुक्के मारूंगा। अब देखता हूँ कौन कौवे की आवाज निकालता है। ये तो सांता क्लॉज के आने की ट्यून है ना? हाँ मैं, लगता है सांता क्लॉज आ गए। हाय गुड, अरे वो देखो सांता क्लॉज और बालवीर। हाय
हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिंगल बेल खुद अपने पास आएंगे। हेलो बच्चों, क्या तैयार हो क्रिसमस पार्टी के लिए? तो बच्चों देर की इस बात की, चलो क्रिसमस पार्टी का मजा उठाते हैं। बच्चों ये क्रिसमस ट्री और इस पे लटके उपहार भी आप सब बच्चों के लिए ही है। बच्चों ये गुलेल है, इससे तुम अपने मन पसंद तोहफे पर निशाना लगाओगे और तुम्हारा निशाना लगते ही वो उपहार खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा और उसके अंदर होगा आप सबका मन पसंद तोहफा। ये लो। खाली रहेगा आपका कुछ तो मस्त रहेगा। स्पेशल गिफ्ट। चुप। अब मेरी बारी। मेहर संभाल के। हाँ सर। बच्चों ध्यान से, किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए। सर अब चिंता मत कीजिए, ये जादुई पत्थर, इससे बच्चों को कोई भी चोट नहीं लगेगी। अच्छा है बालवीर। थैंक यू बालवीर। हो, 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 हो।